जानेंगे टाटा मोटर्स शेयर को लेकर। सनी जी बताएं सर, क्या ये टर्न अराउंड क्वार्टर होगा टाटा मोटर्स के लिए? जिस तरह से कंपनी ने प्रोविजनल अपडेट दिए थे क्वार्टर स्टार्ट होने के, मतलब ये सितंबर क्वार्टर के, तो उससे तो लगता है कि डेफिनेटली, अगर आपको याद होगा कि जो प्रोविजनल अपडेट थी उसमें ये कहा था टाटा मोटर्स ने कि जो JLR की ऑर्डर बुक है वो काफी हेल्दी है। एट द सेम टाइम विद इन JLR ऑल्सो जो उनके जो जो प्रीमियम प्रोडक्ट हैं उसकी ऑर्डर बुक, उनकी जो न्यू प्रोडक्ट है रेंज रोवर लैंड डिस्कवरी, उसकी जो ऑर्डर बुक है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। तो ये बात तो पक्का है कि JLR के जो पोर्टफोलियो उसमें मार्जिन एक्सपेंशन आएगा। एट द सेम टाइम ये क्वार्टर में फ्री कैश फ्लो भी काफी अच्छा आएगा अगर मैं JLR की बात करता हूँ। एट द सेम टाइम कमर्शियल व्हीकल एज अ पोर्टफोलियो इज डूइंग वेल और पैसेंजर व्हीकल भी अच्छा कर ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो कहते हैं ना, जिसे कि ऑल सिलेंडर्स आर फायरिंग साइमल्टेनियसली, टाटा मोटर्स में भी वही केस है। और ये क्वार्टर के जो नतीजे डेफिनेटली अच्छे आएंगे, और उसी के चलते हुए हमने देखा था कि स्टॉक प्राइस में कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग अप मूव भी देखा गया था टाटा मोटर्स में। अगर याद होगा हमें सबको कि 500-550 के रेंज से अब ये एक बार 650 के रेंज तक चला गया था। तो डेफिनेटली ये क्वार्टर काफी बेहतरीन होगा टाटा मोटर्स के लिए। तो ये है आपके लिए टाटा मोटर्स बेहतरीन क्वार्टर रह सकता है। फिलहाल चार्ट्स रिसेंटली थोड़ा ऊपर से नीचे आई है, बट देखते हैं टाटा मोटर्स यहाँ से क्या ऐसी चाल पकड़ेगा। इंटरेस्टिंग है, नंबर्स कल आएंगे इसके।